ये भाई आयरन मैन के बारे में कुछ बताइए। आयरन मैन का हमें फर्स्ट मूवी आयरन मैन वन में दिखाया जाता है कि वो कैसे बड़ा हुआ और कैसे डेवलप्ड हुआ। तो सबसे पहले सीन देखते हैं कि एक स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक बम उसके सामने आता है और वो मोबाइल चला रहा होता है। जब वो देखते हैं तो वो भागने की ट्राई कर रहा ही होता है, बट तभी बम फट जाता है और वो कहीं दूर जाके चला जाता है ऐसे बम से। तो भी वो जिंदा था और उन्हें कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था। एक बार एक गुंडे ने उसे धक्का दिया, फिर उन्हें बदला लेने के लिए रात को एक सूट बनाया केयो में, जिसका नाम मार्क वन था। और मार्क वन जैसे ही सुबह को बाहर आया, मार्क वन के साथ सीधी गोलियां स्टार्ट हो गई और मार्क वन ने तो भी सारे गुंडों को मार लिया। धीरे वो और डेवलप्ड हुआ और हमें मार्क टू देखने को मिला, फिर हमें थ्री देखने को मिला। धीरे हमें बहुत डर हुआ, उनकी लास्ट एंडिंग हम देखते हैं कि वो एवेंजर्स एंड गेम में स्नैप करते। बड़ा ब्लैक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि उनने इतना ज़्यादा हर पावर कैसे झेला और उसने स्टोन्स कैसे निकाले। तो पहले हम बात करते हैं कि उसने कैसे पावर झेला। तो उसने हमने नैनो टेक सूट में ही एक इन्फिनिटी गॉर्लेट बनाया था और वो बहुत ज़्यादा डेवलप था और उसे इतना टाइम तो मिल गया कि वो स्नैप कर पाया और ना डायलॉग भी बोल पाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम बढ़ते हैं कि उसने स्टोन्स कैसे बनाए, स्टोन्स कैसे निकाला। तो ले बात है कि इन्फिनिटी गॉडलैंड ही उनने टोनी स्टार्क ने बनाया है और उसने हमने सूट में उस ऐसा कमांड वो कर सकता था उस गॉडलेट को हमने सूट से। तो उसने उसे कमांड किया और हमने स्टोन्स ले लिए। बट हमें लगता है कि वो उसने खींच के लिए, बट हमें तो दिखता है कि उसने तुझे पकड़ा हुआ था। तो फिर ले दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो थैंक यू।